बहुत सारे दोस्तों ने मुझे ये कहा था कि तारिक भाई मोबाइल के लिए भी बताएं कि हम मोबाइल पे कैसे बहुत सारी आईडीज बना सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पीसी नहीं है तो पीसी क्लोनिंग हम नहीं कर सकते। तो आप हमें बताएं कि मोबाइल पे रहते हुए हम कैसे आईडीज बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा और आईडीज मतलब क्रिएट करके और मतलब लॉगिन करके भी दिखाऊंगा, सब कुछ करके दिखाऊंगा। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने मोबाइल की रिक्वेस्ट की थी। तो इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिएगा। याद रहे कि ये 100% ओरिजिनल मेथड है। इस पे आपकी आईडी एक तो चेक पॉइंट पे नहीं जाएंगी, दूसरी डिसेबल होने का इनका बहुत ज़्यादा मतलब खतरा नहीं है, तीसरी ये चीज़ है कि आपने जो भी आईडी क्रिएट करनी है उनको एक या दो दिन बाद यूज़ करना है। कोशिश करें कि जो भी आईडी क्रिएट करें उनको आप अपने, जैसे मैंने लॉगिन की होंगी आगे चल के आपको दिखाता हूँ, आपने भी सेम ऐसे लॉगिन करके रखनी है। जब आईडीज एक से दो दिन पुरानी हो जाए तो तब आपने यूज़ करनी है। तो वो आईडी कैसे लेनी है, कहाँ से लेनी है, ईमेल कहाँ से बनाना है, कैसे उसको मतलब कोड उसका लेना है और पुट करना है, तो ये सारी चीज़ें आज आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पे लेके चलूंगा। बेसिकली ये मैं आईफोन पे कर रहा हूँ, एंड्रॉयड पे इससे भी इजी है और एंड्रॉयड पे क्लोनिंग भी आप कर सकते हैं बहुत सारे ब्राउजर बना के। अगर आपको वो नहीं कर जाते तो नीचे कमेंट जरूर कर देना, मैं इंशाल्लाह आपके लिए वो बना दूंगा उस पर एक शॉर्ट सी वीडियो। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे और आपको डिटेल में बताता हूँ कि कैसे आपने आईडीज बनानी है और उनको लॉगिन करके कैसे अपने पास सेव रखना है। तो चले मोबाइल की स्क्रीन पे। तो हम आ गए मोबाइल की स्क्रीन पे। इधर मैं सिंपल अपने फेसबुक को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक न्यू क्रिएट मतलब अकाउंट क्रिएट करूँगा। तो सिंपल मैं उस पर क्लिक करता हूँ और गेट स्टार्ट पे क्लिक करके, तो इधर आपने अपना नाम सेलेक्ट कर लेना है जिस नाम की भी आपने आईडी बनानी है। तो मैं मथीरा खान लिख लेता हूँ या कोई और नाम लिख लेता हूँ। मथीरा खान खैर मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो मैं डकी भाई का नाम लिखता हूँ। डकी भाई के लिए डक भाई रखता हूँ और बाद में डकी भाई करूँगा। डक भाई यूज़ होता है कि नहीं होता ये जस्ट चेक करने के लिए। तो इधर आपने अपनी मतलब डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इधर आप फीमेल है, मेल है या जो भी है सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इधर आपने मतलब ईमेल एड्रेस पे क्लिक कर रहे हैं। ईमेल आप कहाँ से लेनी है वो आपको मैं बताता हूँ। आपने सिंपल क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और इधर आके आपने लिखना है टेम्प मेल। तो जैसे ही आप टेम्प मेल पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहला जो ऑप्शन होगा इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे आप थोड़ी देर वेट करेंगे तो ये लोडिंग लेगा और उसके बाद एक ईमेल ऑटो पे जनरेट हो जाएगी, आपने वो मेल कॉपी कर लेनी है। ये देखें सिंपल, वो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और वापस चला जाता हूँ अपनी फेसबुक पे जहाँ पे मैं आईडी क्रिएट कर रहा था। तो इधर मैं वो पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं गो पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद इधर कोई भी पासवर्ड आप रखना चाहें, जो भी रखना चाहें, तो मैं एक सिंपल रैंडम सा पासवर्ड लगा लेता हूँ। तो मैं इधर साइन अप पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरी अकाउंट क्रिएट हो रहा है। तो ये देखें डक भाई इन्होंने यूज़ नहीं किया, तो मैं इधर डकी भाई वाई लगा देता हूँ और ये एक्सेप्टेबल हो जाएगा। तो मैं सिंपल इसको गो करता हूँ और ये देखें मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया है। और आप इसको वेरीफाई कैसे करना है मैं आपको आगे चल के करवाता हूँ। और आप डेली की जितनी मर्जी आईडीज यहाँ से बना सकते हैं। तो सिंपल मैं इधर आया, इधर आके मैंने मेन्यू पे क्लिक किया। इधर ये मुझे प्रोफाइल पिक मांग रहा है, आप लगाना चाहे तो लगा ले, मैं नहीं लगा रहा, मैं स्किप कर रहा हूँ। ये देखिए ये इधर मुझे कन्फर्मेशन कोड मांग रहा है, तो वो हमें कहाँ से मिलेगा, आपने सिंपल फिर वापस जाना है जहाँ से आपने मेल कॉपी की हुई थी क्रोम ब्राउज़र में। उसके नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये देखिए फेसबुक लिखा हुआ है इनबॉक्स पे। इधर आप वो छोटा सा कोड आपको नज़र आ रहा होगा, आपने सेम वही कोड कॉपी करके या वैसे ही याद करके वहाँ पे पुट कर देना है। मैं सेम वही कोड यहाँ पे पुट करूँगा, आप देखेंगे कि ये एक्सेप्टेबल है और ये एक्सेप्ट करेगा और मेरी एक आईडी क्रिएट हो चुकी है। देखिए 3 से 4 मिनट लगे हैं एक आईडी क्रिएट करने में। आप जितनी मर्जी आईडीज क्रिएट कर सकते हैं। सेम इसी तरह मैं एक और आईडी आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। ये देख लें मेरे सामने वही आईडी आ गई है डकी भाई के नाम से। अभी मैं एक और आईडी आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो इस सेटअप को आप बाद में भी कंप्लीट कर लेना, मैं नहीं कर रहा, जस्ट आपको दिखाने के लिए ये मैं शो करवा रहा हूँ कि ये प्रोफाइल बन चुकी है, ठीक है, और ये वेरीफाइड है, ये डिसेबल नहीं हो रही। अभी मैं एक और मतलब इसको सेव करके एक और आईडी क्रिएट करके दिखाता हूँ ताकि आपको ये ना रहे कि एक आईडी क्रिएट होती है, आप जितनी मर्जी आईडीज क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली मैं न्यू अकाउंट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ न्यू क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। तो डकी भाई 1 लिखता हूँ, तो देखते हैं ये एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, अगर ना हुआ तो फिर हम चेंज कर लेंगे। तो आगे इधर आपने वैसे ही डेट ऑफ बर्थ और मेल और जो भी ईमेल है वो सिलेक्ट कर लेनी है। सिंपल आपने वापस चला जाना है। वापस जाने के बाद आपने क्रोम ब्राउज़र पे जाना है और इसको करना है जी
चेंज, चेंज पे क्लिक करना है। तो ये देखें हमारे सामने फिर ये लोडिंग ले रहेगा और एक नया ईमेल एड्रेस हमें दे देगा। तो अगर ऐसा आपके साथ हुआ है या चेंज करने पे ये आपको नहीं दे रहा, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने वो कैसे लेना है। तो अभी इसको मैं कट करता हूँ और वो नया ईमेल इधर पुट करता हूँ, और इधर मैं रैंडम सा पासवर्ड, फिर वही पासवर्ड लगा लेता हूँ। ये रैंडम सा है, आप अपनी मर्ज़ी का लगा लें। साइनअप पर क्लिक करता हूँ तो ये देखते हैं ये क्रिएट होता है कि नहीं होता। तो ये क्रिएट हो रहा है जी, तो मैं इधर आपको दिखाता हूँ। नहीं, ये नाम एक्सेप्ट नहीं हो रहा, सिंपली मैं इसको वापस जाता हूँ और कोई और नाम का सिलेक्ट करता हूँ। तो मैं इधर लकी भाई लिख देता हूँ, मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त है, तो उसका नाम मैं इधर पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद मैं डन करता हूँ। ये ईमेल भी वर्किंग नहीं कर रही, आप वर्किंग ईमेल दोबारा कहाँ से लेने, वापस वहाँ पे जाना है तो आपने नीचे डिलीट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा आपको, मैं दिखाता हूँ। ये देखें डिलीट पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने वापस ऊपर चला जाना है, दोबारा नया ईमेल क्रिएट ऑटो पे हो रहा है। आपने कुछ नहीं करना, जस्ट आपने सिंपल इधर कॉपी पेस्ट का काम करना और जितनी मर्जी आईडीज ले सकते हैं। तो सिंपली मैं वापस जाता हूँ और इधर इसको सेलेक्ट करके नया ईमेल पुट करता हूँ और सिंपल गो पे क्लिक करता हूँ। और ये देखिए मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है, बहुत ही इजी है, सिंपल वे है। दिन में जितने मर्जी अकाउंट क्रिएट कर लें, कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए। ये देखें अकाउंट बन चुका है, मैं आपकी इसकी प्रोफाइल शो करवा देता हूँ, ठीक है। ये देखें ये प्रोफाइल पिक मांग रहा है, आप देना चाहें दे लें, ना देना चाहें ना। कन्फर्मेशन कोड मांग रहा है, सिंपली वही स्टेप करना है और वापस जाना है। इधर आप देखेंगे थोड़ा सी देर रिफ्रेश करना है तो आपको वो आ जाएगा, अभी तक नहीं आया, लेकिन मैं थोड़ा सा नीचे जाके ऊपर की तरफ जाऊँगा तो मुझे कोड शो हो जाएगा। तो ये देखें टेम्प मेल के नीचे थोड़ा सा वेट करने के बाद ये इनबॉक्स में ये देखिए मुझे कोड आ गया है, आपने ये कोड कॉपी करके उधर पेस्ट कर देना है, ठीक है। सेम यही प्रोसेस आप दिन में जितनी मर्जी बार कर लें, जितनी मर्जी आईडी क्रिएट कर लें, आपको क्लोनिंग करने का फ़ायदा कोई नहीं है, आप क्लोनिंग पे वर्क नहीं करती अपडेटिंग के बाद। तो ये 100% ओरिजिनल मेथड है, आप यही मेथड यूज़ करते हुए जितनी मर्जी आईडीज क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक किए बिना नहीं जाना। अगर कोई आपको मुश्किल पेश आ रही है तो कमेंट सेक्शन में एक अपना कमेंट छोड़ जाएं ताकि मैं आपको रिप्लाई कर सकूं। देख लें आपके सामने वो आईडी क्रिएट हो गई है। तो मिलते हैं एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने भाई को दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।